नमस्ते बच्चों, आप लोग कुशल है ना? अच्छा तो बच्चों, याद है पिछली क्लास में हमने क्या सीखे थे? हाँ, सर्कस की झलकें। सर्कस खत्म हुए है ना? हाँ, कौन गए सर्कस में? हनीफा और रमेश। क्या क्या देखे? हाँ, हाथियों को देखा, घोड़े को देखा, शेर को देखा, बंदर को देखा, फिर कुत्तों को भी देखा और बौने जोकर भी थे, है ना? अच्छा, ये सब हम सीखे थे पिछले क्लास में। और आज क्या है देखें, अपने पुस्तक खोलो, पेज नंबर 30 खोल लिया। अच्छा देखो, कई दिनों के बाद इसका अर्थ क्या है? हाँ, ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആഫ്റ്റർ, ശേഷം. ദേഖോ ക്യാ ഹുവാ, ബഹുത് സിൻ, ബഹുത് ബഹുത് ദിനോകെ ബാദ് ക്യാ ഹുവാ, ദേഖേ, കൈ ദിനോകെ ബാദ് ആയ സർക്കസ്. ഹാ, ക്യാ ഹുവാ ഹേ, കൈ ദിനോകെ ബാദ് ക്യാ ആയാ, ക്യാ ആയാ ബച്ചോ, സർക്കസ് ആയാ, കഹോ, सर्कस आया। और बड़े शहर में आया सर्कस। कहां ये सर्कस आया? बड़े शहर में, हाँ, बड़े सिटी में सर्कस आया है। एवडे वन्निरिक्कुन्न सर्कस? हाँ, वलिय नगरत्तिलाण सर्कस वन्नत। ओरुपाड दिवसम कझिञ्ञाण सर्कस वन्नत। एन्निट्टो जिसको भी दिखलाया सर्कस, क्या है, जिसको भी दिखलाया सर्कस, उसके ही मन बाया सर्कस। जिसको भी दिखलाया उसके मन भाया सर्कस। എന്താ ഇത്? ആരൊക്കെ കണ്ടോ, അവരൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയി, അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടായി. സർക്കസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടല്ലേ? എനിക്കും ഇഷ്ടാ. മുജെ ഭി പസന്ദ് ഹേ. തും ലോഗോക്കോ പസന്ദ് ഹേ? കഹോ ജീ ഹാ. കഹോ, സർക്കസ് പസന്ദ് ഹേ തോ ക്യാ കർനാ ഹേ? ജീ ഹാ, ആപ് ലോഗോക്കോ സർക്കസ് പസന്ദ് ഹേ? കഹോ ഹാ, ജീ ഹാ, മുജെ ഭി പസന്ദ് ഹേ. സർക്കസ് ബഹുത് അച്ഛേ ഹേ നാ? അച്ഛാ, ദേഖോ ആഗേ ക്യാ ഹുവാ ഹേ ബച്ചോ. ഓർ ഏക് ബാർ ഫിർ ഗയേ. ഹാ, कई दिनों के बाद आया सर्कस। हाँ, कई दिनों के बाद आया सर्कस। बड़े शहर में आया सर्कस। कहो, बड़े शहर में आया सर्कस। फिर जिसको भी दिखलाया सर्कस, उसको ही मने, हाँ, उसके ही मने भाया सर्कस। ആരൊക്കെ കണ്ടു, അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടായി. എന്ത് സർക്കസ്? ജോക്കർ കോത്ത് ജോക്കർ ജേസി, കിൽകിൽ ചൂട്ടെ ഹസി തഹാക്ക, ടോൽ ബജായ ഹാത്തി നിക്കല. ഹാ, കോൺ നിക്കല? ഹാത്തി. ആരാണ് ഹാത്തി? ഹാ, എലിഫന്റ്. എലിഫന്റ് ബി നിക്കല. കേസെ ടോൽ ബജാക്കെ, ടോൽ ബജാന, വേണ്ടൊക്കെ മുട്ടിയിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? ചെണ്ട കൊട്ടിയിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? നമ്മുടെ ഹാത്തി വരുന്നത്. ടോൽ ബജാക്കൻ ഹാത്തി നിക്കല. ഫിർ ദേക്കോ കോനായ, സൈക്കിൾ ചലാത്ത ബന്ദർ നിക്കല. ബഡി അജീബോ സർക്കസ് കി ദുനിയ. സൈക്കിൾ ലേക്കർ കോൺ നിക്കല? സൈക്കിൾ കെ ഉപ്പർ കോൺ നിക്കല? बंदर. और अजीब है, बहुत वंडरफुल है. क्या? सर्कस. क्या है? बहुत वंडरफुल है सर्कस. अजीब है, रेयर है. देखो और क्या हुआ. खेल मेल की रंगीन दुनिया. खेल मेल की रंगीन दुनिया. और कई दिनों के बाद आया सर्कस. बड़े शहर में आया सर्कस. बच्चों, और एक बार फिर गाएं.
देखो, कई दिनों के बाद आया सर्कस, बड़े शहर में आया सर्कस, जिसको भी दिखलाया सर्कस उसके ही मन भाया सर्कस। जोकर को तो जोकर जैसी खिलखिल छूटे हंसी ठहाका। हाँ, जोकर आए तो क्या हो गया, हंसी हो गया, क्योंकि जोकर बहुत सारे फन कहेंगे, है ना, तमाशा दिखलाएंगे। कौन? जोकर। അല്ലേ, ജോക്കർ എന്ത് ചെയ്യും? തമാശകളൊക്കെ കാണിക്കും. നമ്മളെല്ലാവരും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുമല്ലേ. ജോക്കറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? ഹാ, ജോക്കറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആപ് ലോഗ് ജോക്കർക്ക് ദേഖാ എന്നാ? അച്ഛാ, മേ ബി ദേഖാ. ഓർ ദേഖോ ക്യാ കരേംഗേ ജോക്കർ? തമാശ കഹേംഗേ, തമാശ ദിഖ്ലായേംഗേ, ഹെനാ? അച്ഛാ, തോ ദേഖോ. ടോല് ബജായാ, हाथी निकला, साइकिल चलाता बंदर निकला, फिर बड़ी अजीब सर्कस की दुनिया, खेल मेल की रंगीन दुनिया। कई दिनों के बाद आया सर्कस, बड़े शहर में आया सर्कस। क्यों, अपने पुस्तक के पेज नंबर 31 ले लो। हाँ, ये देखो, यहां नीचे देखो, समान आशय वाली पंक्तियों पंक्तियां चुने और लिखे। ओके, हाँ, सेम आशय आशय तिंडे वरिगले दंड कंडबड़िक्या। नोको, सर्कस सबको अच्छा लगा, सर्कस सबको अच्छा लगा। देखो, जिसको भी दिखलाया सर्कस उसको ही मन भाया सर्कस। ओके, नेक्स्ट देखो, सर्कस की दुनिया विचित्र है। हाँ, सर्कस की दुनिया, हाँ, विचित्र है, वंडरफुल है, रेयर है। देखो ये क्या है, कौन सा पंक्तियां है वल? देखो, हाँ, बड़ी अजीब है सर्कस की दुनिया, बड़ी अजीब है सर्कस की दुनिया, यही आशय वाली पंक्ति है। देखो नेक्स्ट क्या है, जोकर की तुलना और कोई नहीं है, जोकर की तुलना में और कोई नहीं है। कौन सा है वो पंक्ति? हाँ, जोकर को तो जोकर जैसी। तो बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, यहां ये पंक्तियां लिखना है। बच्चों, आप लोगों को मालूम है हमारे हनीफा और रमेश को ये सर्कस नगर शहर में आया है, ये कैसा मालूम हुआ? എങ്ങനെയാണ് ഹനീഫയ്ക്കും രമേഷിനും നഗരത്തിൽ സർക്കസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത്? ഹാ, ഉൻകോ എക് പോസ്റ്റർ മിലാ ഥാ। കൗൻസാ പോസ്റ്റർ? സർക്കസ് കേ പോസ്റ്റർ। തോ ദേഖേ, സർക്കസ് കേ പോസ്റ്റർ കൈസാ ഥാ? हाँ, तो बच्चों, उन लोगों को जो पोस्टर मिला है वो पोस्टर है ये, देखो। हाँ, कौन सी जो सर्कस के लिए वो गए हैं? हाँ, वो लोग जंबो सर्कस के लिए गए हैं। कौन से सर्कस? कौन से सर्कस? जंबो सर्कस। तो देखो, स्थान कहाँ है? कैलिकेट में, हमारे कोलकाता में। और समय कब है? हाँ, 9 o'clock टू 12 o'clock, है ना? और ये देखो, हाँ, सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। तो बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, अपने पेज नंबर 32 में, हाँ, एक ब्लैंक पेज है, देखो यहाँ, यहाँ क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है और सर्कस को एक नाम देना है। और स्थान कहाँ, ये कहाँ है ये सर्कस, वह लिखना है। प्लेस किधर है वहां लिखना है। और समय भी लिखना है। और कुछ सुंदर चित्र भी बना लो और पोस्टर को आकर्षक बना लो। अच्छा, एक पोस्टर बना लो। बना लेंगे ना आप? अच्छा, तो बच्चों, आज के ये क्लास मैं यहां वाइंड अप करती हूं। नमस्ते।